यस, अब हम पढ़ने वाला हैं एक नया टॉपिक, चालक की धारिता। जैसा नाम वैसा ही काम। धारिता, धारिता का मतलब होता है ग्रहण करना। कोई चालक है तो चालक क्या ग्रहण करेगा? आवेश ग्रहण करेगा। तो आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही हम चालकता कहते हैं। शॉर्टकट में इसकी परिभाषा हम ये भी लिख सकते हैं, किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही उस चालक की धारिता कहलाती है। ठीक है, तो देखें चालक की धारिता। किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता चालक की धारिता कहलाती है। ठीक है, या इसके और दूसरी डेफिनेशन देना चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि किसी चालक के एकांक विभव में वृद्धि करने के लिए उसको दिया गया आवेश ही उस चालक की धारिता कहलाती है। किसी चालक के एकांक विभव में परिवर्तन करना या उसके एकांक विभव में वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा ही उस चालक की धारिता कहलाती है। अब यदि हम किसी चालक के बारे में बात करें, यदि हम किसी चालक को क्यों आवेश दे रहे हैं, किसी चालक को क्यों आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होती है अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, क्यू समानुपातिक वी, यानी कि आवेश यदि किसी चालक को यदि हम क्यू आवेश दे रहे हैं तो उसके विभव में वृद्धि कितनी हो रही है, वी हो रही है। कहने का मतलब है दोनों एक दूसरे के क्या समानुपाती हैं, आवेश दे रहे हैं तो उस चालक का विभव और विभवांतर भी बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या समानुपाती हैं। यहाँ पर इन दोनों के मध्य जो एक समानुपाती नियतांक है इसको हटाने के लिए हमें एक नियतांक काम में लेंगे। ये समानुपाती नियतांक है, इसको हटाने के लिए एक नियतांक काम में लेंगे और नियतांक यहाँ पर हम के काम में लेंगे, क्या लेंगे, सी काम में लेंगे। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी, या फिर यदि इसको हम देखें इस इक्वेशन से तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, यह फॉर्मूला आ गया आपके पास में चालक की धारिता का। ठीक है, तो यहां पर सी क्या है, सी एक नियतांक है, सी क्या है कि नियतांक है जो किसी चालक की क्या कहलाएगी, धारिता। सी यहां पर एक नियतांक है जो क्या कहलाएगी, किसी चालक की धारिता कहलाएगी। अब सी का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है फेरेड। सी का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, फेरेड होता है। लेकिन ये फेरेड किसके बराबर है, इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें, ये फेरेड है, ऊपर क्या आवेश है, नीचे क्या है, विभव है, तो आवेश बटा विभव, आवेश का मात्रक कूलम और विभव का मात्रक वोल्ट, यानी कि फेरेड बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कूलम बटा वोल्ट। ठीक है, अब यदि इसकी हम विमा लिखना चाहें, विमा तो ऊपर तो क्या है कूलम, तो कूलम की विमा क्या होगी, एम जीरो, या सीधे डायरेक्ट लिख दूं मैं टी वन ए वन बट्टा विभव। विभव को हम कैसे लिख सकते हैं कि विभव वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी कि जूल पर कूलम। जूल की विमा क्या होती है, एम वन एल टू टी माइनस टू अपॉन कूलम। कूलम यानी कि ये फिर से आपका आवेश, तो टी वन इसकी ए वन, इसको ऊपर लेके दे तो क्या हो गया है, टी टू ए टू अपॉन ये एम वन एल टू टी माइनस टू, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लें, एम को ऊपर लेके जाएंगे तो एम माइनस वन, एल को ऊपर लेके जाएंगे तो एल माइनस टू, टी को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस के दो हैं तो कितना हो गया, टी की घाते चार, और ये ए टू, ये क्या हो गई, बीमा हो गई किसकी, धारिता सी की। कई बार ये एग्जाम में पूछी भी जाती है कि धारिता की बीमा लिखें,
एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, सीधा इसको आप अभी याद कर लीजिए और इसको रटना नहीं है, निकालने का तरीका पूरा प्रोसीजर है, इस हिसाब से आप इसको लिखें। दूसरी बात यह है कि किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उस पर उत्पन्न या उसमें हुए विभव में वृद्धि, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाती है, चालक की धारिता कहलाती है। अलग अलग तरीके से इसकी तीन चार परिभाषाएं हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये कोई पात्र है, इस पात्र में आप पानी भर रहे हैं, आपने इतना पानी डाला, पानी का लेवल ये इतना है, ठीक है, तो ये कितना कितना पानी ग्रहण कर सकता। मान लीजिए ये 200 ml का, मान लीजिए आपके पास में कोई गिलास है, तो इसमें आप 200 ml तक ही पानी डाल सकते हैं। 200 ml से यदि आप ज्यादा पानी डालना चाहें तो पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकलने लगेगा, बाहर टपकने लगेगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है ये आपका जो गिलास है इसमें 200 ml ही पानी आएगा। उसी प्रकार से ही किसी चालक की भी कैपेसिटी होती है कि ये इतना आवेश ग्रहण कर सकता है, इससे ज्यादा आवेश ग्रहण नहीं कर सकता, ठीक है। तो किसी चालक की कितनी कैपेसिटी है आवेश ग्रहण करने की, उस कैपेसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। दूसरी बात है, जैसे मान लीजिए कि ये है, ये मान लीजिए कोई चालक है, इसकी मान लीजिए कि आप 20 μF, इसकी धारिता कितनी है, 20 μF है, यानी कि इसको हम उतना ही आवेश और उतना ही इसका विभव हम बढ़ा सकते हैं जब तक कि इसका इसकी जो धारिता है इसका मान इसके इसके लेवल के बराबर ना आ जाए, यानी क्यू और वी का अनुपात इसके बराबर ना आ जाए तब तक तो इसको हम आवेश और विभव दे सकते हैं। इसके बाद में हम इसको आवेश देना जारी रखेंगे तो आवेश है वो वायु में चला जाएगा, यानी कि उसका रिसाव हो जाएगा वायु में। दूसरी बात है कि हम सी क्यू और वी में ग्राफ खींचे, क्यू और वी में ग्राफ खींचे तो इस यहां से देखें आप, क्यू दोनों क्या है, दूसरे के समानुपाती हैं, क्यू व वी में ग्राफ, तो क्या है, क्यू समानुपाती वी है और समानुपाती है, तो समानुपाती का ग्राफ क्या आता है, सीधी लाइन, आवेश क्यू और विभव वी। अब ये इसकी जो ढाल है, ये ढाल क्या है, Q समानुपाती V है। ये वाला यदि एंगल हम थीटा मान लें और यहां पर कोई वैल्यू मान लें, यहां पर कोई वैल्यू है वो क्या है, V को इंगित कर रही है, और यहां पर वैल्यू है वो किसको इंगित कर रही है, Q को इंगित कर रही है। तो यहां से एक ट्राइंगल बन गया, त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, ये इसमें क्या रहेगा आपका आधार, यह क्या रहेगा लंब। तो यहां पर हम टेन थीटा का सूत्र लगाए तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, ये लंब बटा आधार V, Q अपॉन V। तो टेन थीटा क्या है, ढाल है, टेन थीटा क्या है, तो ढाल है, तो ग्राफ की जो ढाल है वो हो हम लिखते हैं टेन थीटा से, टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और क्यू अपॉन वी का मान किसके बराबर होता है, सी के बराबर, यानी कि बराबर सी। कहने का मतलब यही है कि ढाल किसके बराबर है, सी, यानी कि धारिता के बराबर है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि Q और V के मध्य आवेश और विभव के मध्य खींचा गया ग्राफ की जो ढाल है वो किसको प्रदर्शित करती है, तो इसका एक ही आंसर है कि चालक की धारिता को, किसको प्रदर्शित करती है, चालक की धारिता को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखें। दूसरी बात आप यहां पर देखें थोड़ा सा इधर, कि जो चालक की धारिता है वो किस पर निर्भर करती है, धारिता की निर्भरता, धारिता की निर्भरता, ठीक है। पहले आप इसको देखें कि इसमें जो हम पानी डाल रहे हैं, कोई पात्र है, गिलास है, 200 ml का है, इसमें हम पानी डाल रहे हैं, तो ये इसमें जो पानी आएगा वो किस पर निर्भर करेगा भाई, इस पात्र के आकार पर निर्भर करेगा, इसकी आकृति पर निर्भर करेगा, इसके रूप पर निर्भर करेगा कि इसमें कितना पानी आ सकता है, इसकी कितनी क्षमता है। वैसे किसी चालक की जो धारिता होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो एक तो चालक के आकार और आकृति पर, चालक के आकार व आकृति पर, कि चालक के आकार और आकृति क्या है इस पर निर्भर करती है। दूसरी बात है कि इस चालक के समीप चारों ओर कोई एक अन्य माध्यम है, उस अन्य माध्यम पर भी निर्भर करती है, चालक के चारों ओर उपस्थित माध्यम पर। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई चालक है, अब इसके चारों ओर का जो माध्यम है, ये इस माध्यम में हवा है, निर्वात है, पानी है, तेल है या अन्य कोई पदार्थ है,
इस पर निर्भर करती है इसकी धारिता, ठीक है। इसकी धारिता इसके चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करती है। माध्यम पर किस प्रकार से निर्भर करती है धारिता, इसके लिए हम आगे से एक्सप्लेन करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, समझेंगे। और नॉर्मली यदि हम बता दें कि किसी चालक के चारों ओर हवा और निर्वात के अलावा यदि हम कोई दूसरा माध्यम रख देते हैं इसके कंपैरिजन में, तो चालक की धारिता कुछ बढ़ जाती है, ठीक है। ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अपना जो अगला पॉइंट है कि चालक के समीप अन्य उपस्थित आवेश पर, चालक के चारों ओर के माध्यम पर और चालक के आकार व आकृति पर, इतनी सारी बातों पर यह निर्भर करता है। दूसरी बात है कि इस चालक के समीप कोई अन्य आवेश उपस्थित तो नहीं है, यानी कि समीप उपस्थित अन्य आवेश पर भी चालक की धारिता क्या करती है, निर्भर करती है। तो ये आपको तीन पॉइंट याद रखने हैं। एक नंबर का क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछा भी जाता है कि किसी चालक की धारिता है वह किस किस पर निर्भर करती है, तो इसका आंसर है चालक के आकार और आकृति पर, चालक के चारों ओर उपस्थित माध्यम पर और चालक के समीप उपस्थित अन्य कोई आवेश पर। यानी कि ये आपके पास चालक है, चालक के समीप यदि हम कोई अन्य आवेश रख देते हैं तो इसमें प्रेरण के कारण इसमें कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये इन बातों पर निर्भर करती है। दूसरी बात है यहाँ पर जो हम देख रहे थे कि जो धारिता होती है, धारिता को हम सी से लिखते हैं, ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है एसआई मात्रक क्या होता है, फेरेड होता है। फेरेड एक बहुत बड़ी राशि है, फेरेड क्या है, एक बहुत बड़ी राशि है। तो हम किसी भी चालक की यदि उसकी धारिता को इंगित करना चाहें तो एक फेरेड, दो फेरेड ऐसे इंगित नहीं कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा चालक अपने पास में अवेलेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके लिए भी हम एक एग्जांपल करेंगे, उसमें ज्यादा समझ में आएगा। बट इसके जो अन्य जो छोटे मात्रक हैं वो हम ज्यादा काम में लेते हैं, माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड, पिकोफेरेड। माइक्रोफेरेड का मतलब होता है 10^-6 फेरेड, नैनोफेरेड का मतलब होता है 10^-9 फेरेड, और पिकोफेरेड का मतलब होता है 10^-12 फेरेड, ठीक है। ज्यादातर हम नैनोफेरेड, पिकोफेरेड या कुछ में माइक्रोफेरेड भी काम में लेते हैं। यानी कि धारिता का जो मात्रक है फेरेड वो एक बहुत बड़ी राशि है, धारिता का जो मात्रक है फेरेड वो क्या है, एक बहुत बड़ी राशि है, ठीक है। इतनी बड़ी राशि हम किसी चालक को समान रूप से, इतनी धारिता हम किसी चालक को प्रदान नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको इसके कुछ छोटे छोटे मान है वो भी याद रखना है। आपको न्यूमेरिकल में ज्यादातर माइक्रोफेड, नैनोफेड या पिकोफेड वाली कुछ राशियां मिलेंगी, जिसको आप कन्वर्ट करके फेड में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इस प्रकार से कन्वर्ट करें। तो ये भी आप क्रम याद रखें, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही छोटा है, इसके बाद में आगे वाला वीडियो भी हम बहुत ही छोटा बनाने का प्रयास करेंगे। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को दूसरे अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर कीजिए। थैंक यू।